अकेला चाहिए अकेला खाना नहीं बाहर ही बाहर में बाहर अंदर में गाड़ी फोटो वाला है मैम सेंटर में ना जो सेंटर पे टायर है सर बस नहीं तो गाड़ी गाड़ी चलेगी सेंटर अरे और भी बाकी है रुको यार रुको सोनाक्षी जी सेंटर में देखो सोनाक्षी जी सेंटर में नहीं देखा हाँ मेरे पास लेफ्ट में बोलते सेंटर नहीं अरे बहुत बड़ा हो जाएगा शेराई लेंस नहीं है कम क्लोज सूरज सूरज सरोज क्रिस गेल क्रिस गेल ये अविनाश थोड़ा खाली बसना अविनाश खाली बसना खाली बसना ठीक आहे खाली तर बसना मी वरती आहे अरे बाबा राइट राइट नहीं नहीं लेफ्ट में देख सेंटर 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 में नहीं देखा देखो कैसे है गोंचू लेफ्ट में नीचे ये थोड़ा खाली बस ना फ्लैश कैसे बाउंस मारते मार ना स्टेट पीछे चलो पीछे चलो अरे यार इतना ऐसा करेगा निकलेगा तू मुझे दो में अरे इससे यार है प्रेम में आ रहा है बोल रहा हूँ तो इतना धक्का तू धक्का मारेगा अंदर जाके कांच के अंदर बैठो कांच के अंदर 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 जाके गाड़ी फोड़ हो जाएगा फिर गाड़ी फोटो हो गया गाड़ी फोटो हो जाएगा उधर खिड़की खोल के देखो मैं क्या देखूं मैं किसको देखूं सब अंदर सब अंदर चलो सब अंदर चलो धक्के तो दे रहे हैं स्पॉटेड गाड़ी फोटो दोनों हैप्पी बाहर अरे यार अविनाश डायरेक्ट मारना यार डायरेक्ट मारना चलो थैंक यू ये बैटमैन बोले थैंक यू चला था मेरी प्लेन उड़ा प्लेन उड़ा सोनाक्षी यहाँ पे सोनाक्षी कौन मार गया एक टेप ऊपर चल के बस थोड़ा बाहर आइए थोड़ा आप आ गई थोड़े से दादा अरे आप ही भागने वाली अभी बैकग्राउंड क्लियर ओके राइट नैनो मैम सेंटर टॉलेस्ट गाय इन बॉम्बे Give a round of applause for Sonakshi. Can we also get the Punjabi Munda? Yeah,
गबरू जवान द गबरू जवान जस्सी गेम जस्सी बजे दिस इज अ हैप्पी कोइंसिडेंस दिस इज हैप्पी कोइंसिडेंस हम प्लान करके नहीं आए हैं येलो पहनना है जी कलर येलो कलर येलो One question before I invite everybody else. Yeah. Happy fir. Why? Why not? What do you mean why? Yeah. Because the script was amazing. The script was amazing. I really wanted to work with Anand sir and Mudassar and this wonderful team that Correct. They've put together. And I had no reason to say no. Mushkil tha wapas lana ise? मैं क्या बोलूं अभी मेरे मैंने तो सोचा नहीं था कभी कि मैं मिलूंगा सोनाक्षी सिन्हा को तो मेरे लिए जब मुझे पहले बताया गया कि मेरे साथ सोनाक्षी सिन्हा है तो ना निकलना मुमकिन ही नहीं था मुंह से तो पहली चीज़ ये थी और दूसरी मुदस्सर सर ने जब मुझे बताया कि ये हम सोच रहे हैं ये करेक्टर है तो हैप्पी मुझे लगा नहीं कोई रीज़न कि मैं ना करूँ और मेरी पहली फिल्म थी और पहली में इतनी अच्छी प्रोडक्शन हाउस इतनी अच्छी टीम सारी और सोनाक्षी सिन्हा जिमी पाजी पीयूष मिश्रा जी सारे इतने अच्छे तो राम रखा ये मतलब फिर तो मस्त है ये हां जी ये कौन है ये आदमी मुदस्सर जिसके बारे में बात कैन वी हैव हिम ऑन स्टेज प्लीज ये मुदस्सर आदमी दे कीप ट�किंग अबाउट यू व्हाई इज दैट दैट यू सो अप praised for he's just a very nice guy that's why we like to talk about him I see on it no I don't know whether they're talking about me that's good that's a good sign no so what all did he do in the movie before I call the last guy that I'm very fond of what all did he do in this movie he wrote the movie yeah it's you directed yeah it's my film yeah no songs yes dialogues lyrics yes lyrics yes yeah कितने पैसे बचाए हमने इस वाले में बहुत How many people did we not pay? Hello, he was his own AD also on set. इसका AD है ना काट ले तू अपनी बिल्कुल छोरा कैन वी गेट ऑल्सो द क्यूटेस्ट गाय आई हैव मेट एंड द मोस्ट सेंटेस्ट पीपल ऑफ द ऑल अपार शक्ति खुराना फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हक करके बहुत मजा आता है जी कैसे काफी सारी चीजें हक करता है आदमी मेरे जो आपने बोला ना कि ये भी थे सॉन्ग्स भी लिरिक्स भी और उसे एडी भी ऐसे बोला तो मेरे पीछे एक जोक आ रहा था मगर एडी चोटी का जोर लगाया उन्होंने हर तरह से सॉरी फॉर द बैड जोक अच्छा सर थैंक यू स्टिल एट इट या कभी मत छोड़ना तो चाहे शूट पे जाइए यहां पे बुरे जोक्स तो होने चाहिए ना बाजी बिल्कुल होने चाहिए मुदस्सर सर सब कुछ करते हैं अच्छे जोक्स का जो सारा जिम्मा है वो इस फिल्म में बुरे जोक्स का मेरी पर्सनल लाइफ है वो हैप्पीनेस वाला हैप्पीनेस वाला हैप्पीनेस वाला दिस इज नाइस दिस व्हाई मुदस्सर नो व्हाई मुदस्सर अरे ही इज सो क्यूट मुझे पता था कि ऐसी कोई रैंडम सा रीजन निकलेगा ओके सो फर्स्ट टाइम एक बात बताइए आप लोगों ने पहले भी किया है या पहली बार कर रहे हैं ये पहली पैसे लेके पहली बार फ्री में काफी बार दोनों दिल्ली वाले सर क्या करें ओके सो जब मैंने पहली हैप्पी देखी फ्राइडे को ही देखी और फर्स्ट फ्राइडे को ही मैंने मैसेज किया सर को कि आई रियली लाइक योर फिल्म मैंने जिमी पाजी से नंबर लिया एंड आई वाज लाइक व्हेनेवर यू डूइंग योर नेक्स्ट प्लीज लेट मी नो एंड मुझे पता नहीं था कि वो प्लीज जेन्युइनली प्लीज हो जाएगा थैंक यू सो मच सर आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड सिंस देन यू हैव चेंज्ड द फोन नंबर राइट ऐसा कुछ ऐसा है कुछ नहीं तभी नहीं मिल रहा है क्या हो रहा है कैन वी ऑल्सो हैव द आई नो आई वाज लाइक कॉल एवरीबॉडी कैन एवरीबॉडी कम अप Please now. So guys, give it up for everybody. Give it up for come on. Ali Fazal, the Anand team. Sir. And actually, honestly, just I'll take a second. मेरे बड़े भाई हैं उनका यहाँ पे होना बहुत जरूरी था actually, जिमी सर का बहुत ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में वो नहीं आ पाए यू कैन सी हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वॉट ही मीन्स टू दिस फिल्म वॉट ही मीन्स टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली हियर सो या ऑन बिहाफ ऑफ हिम ऑल्सो थैंक यू एवरीबडी फॉर टर्निंग अप थैंक यू गाइस क्वेश्चंस क्वेश्चंस
हाँ सिमरन तू ही फ्रॉम बुक माय शो. मेरा सवाल आपसे आनंद सर कि जिमी सर के साथ इस फिल्म में इंसाफ होगा कि नहीं, मतलब तनु वर्ड्स मनु से हम देखते आए हैं कभी लड़की मिली नहीं, एंड टाइम पे हमेशा छोड़ के गई, हैप्पी भाग जाएगी वैसे, तो इस बार कुछ उम्मीद है इंसाफ मिलने की? यार जब उनको नहीं मिल रही है ना वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है करने दो ना. कई बार ये भी चीज अगेंस्ट जाती है, एक क्यूट आदमी ऐसा रह जाए थोड़े टाइम तक अच्छा लगता है. थैंक यू सर, मुझे लगा नहीं आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलोगे. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीबॉडी? या कैन गेट द माइक देयर. या सर माय क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट, जब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर तो वहाँ शूटिंग के टाइम कैसे रहा? कि सवाल है किसके लिए सर? सबके लिए. ये सबके लिए काफी लंबा आंसर होगा ये. मुदस्सर आप दे दीजिए सर. आपने देखा ही होगा वी एक्चुअली आर वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग वन अनदर ऑल ऑफ अस. तो सेट पे भी ऐसा ही कुछ माहौल होता था. हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम कोई बहुत सीरियस काम कर रहे हैं सब इकट्ठा होकर के. एक हंसी मजाक वाली फिल्म है उसको उसी स्पिरिट में, और हम दोस्त बहुत अच्छे हैं एक्चुअली सारे, तो उस वजह से वो एक सर्टन एनर्जी आपको नजर आई होगी. वी रियली लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग एंड सीइंग वन अनदर. सो दैट वाज द एटमॉस्फेयर प्रीटी मच ऑन द सेट. आई होप आई एम नॉट, आई मीन आई होप आई एम नॉट स्पीकिंग टू सून. वाज दैट द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? एब्सोल्युटली. आई थिंक ट्रेलर से आपको अंदाजा मिल ही गया होगा कि कितना मजा आया हमें ये फिल्म बनाते हुए. एंड ऑनेस्टली एवरीबडी जस्ट गॉट अलॉन्ग सो वेल विथ ईच अदर. इट वॉज वी हैड सम टफ लोकेशंस टू शूट एट, टफ वेदर टू फेस यू नो ड्यूरिंग द शूट, बट टुगेदर एज अ टीम वी जस्ट स्टूड स्ट्रॉन्ग विथ ईच अदर एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम. अगर पहली फिल्म की डायरेक्टर थे मेरा सवाल जी इधर जी. अगर पहली फिल्म को देखा जाए तो वो फिल्म शुरुआत में तो अच्छी थी ही, लेकिन माउथ पब्लिसिटी से काफ़ी आगे गई क्योंकि उसकी कहानी बहुत अच्छी थी और बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ों को उसमें डाला गया था. तो इस फिल्म में वो मासूमियत और वो कहानी के लेवल पे देखिए, किसी भी राइटर की और डायरेक्टर की कोशिश ये होती है, ख़ास तौर से उस पर जब ये वाली जिम्मेदारी आती है कि अपनी ही फिल्म का वो दूसरा भाग बनाए, तो ये जिम्मेदारी आती है उस पर कि जो इनोसेंस जो ऑनेस्टी ऑडियंस तक किसी लेवल पे पहुंची थी वो उसको बरकरार रखे. हम जब मैं राय साहब के पास इस फिल्म की कहानी को लेकर के गया था तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचा था कि कोई एक चीज़ है जो जो ऑडियंस को उस फिल्म से जोड़े रखती है और जोड़े रखती आई है, और वो चीज़ हमको इस फिल्म में नहीं खोना है. तो हमारा अटेम्प्ट कभी ये नहीं था कि ओ हम सीक्वल बना रहे हैं, आओ कुछ बड़ा बनाते हैं, आओ इसको कुछ यू नो लेट्स मेक दिस मोर एक्सपेंसिव बिगर, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रेंचाइज. वो नहीं था एक्चुअली. हमको ये लगा अरे ये बात छू गई है किसी को तो ये बात क्यों ना और कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ना दोबाला करके ऑडियंस तक पहुंचाई जाए. तो यही एक एफर्ट. मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, अक्सर ना मुदस्सर सर 10/10 होते हैं और उस पर 10/6 करके उसको देते हैं बात को. जो आप जिस इनोसेंस की चीज़ों की बात कर रहे हो, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ वेरी नेचुरल एंड काफ़ी यू नो इमोशनल बंदे हो खुद. वो उनकी राइटिंग में, डायलॉग्स में, गानों में हमेशा आपको नजर आएगा. सो सोनाक्षी एक सवाल आपसे. सर आपसे ये सवाल था कि ये वाली हैप्पी फिर भाग जाएगी, पहले वाली हैप्पी से कितनी अलग, और अलग तो है ही लेकिन कितनी बेहतर है या उससे भी बेहतर है, कैसी? नहीं देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा है कि दो हैप्पियों के बीच में चुनना, कभी कभी इस मर्द को इस दुविधा में मत डालिएगा कि उसमें उससे ये पूछा जाए कि दो लड़कियों में से उसको एक चुनना हो. नेवर पुट अ मैन इन दैट स्पॉट. बट यू नो आई हैव रिटन बोथ, टू मी बोथ दी स्टोरीज आर माई बेबीज. आई कैन नॉट पिक बिटवीन द टू ऑफ देम. बट एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक किसी मॉडल का ध्यान ना रखते हुए, किसी एक खाके का, एक ढांचे का ध्यान ना रखते हुए, आप ये बात पकड़ लेंगे इमीडिएटली कि ये हैप्पी और ये हैप्पी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं. यू नो दे आर वेरी डिफरेंट गर्ल्स, दे रिप्रजेंट द सेम इमोशन विच इज़ हैप्पीनेस. आई यू नो वैन आई पिक द टाइटल ऑफ दिस फिल्म आई ऑलवेज एंड आई एट डिफरेंट टाइम्स सेड इट टू मेम्बर्स ऑफ माई कास्ट, आई ऑलवेज बिलीव हैप्पीनेस इज़ वन इमोशन इन योर लाइफ. इफ़ यू डोंट चेरिश इट, डोंट लुक आफ्टर इट, डोंट प्रोटेक्ट इट, वो भाग जाएगा. You know, that for me has always been what the title stands for. So they are, for me, both these girls are two remarkable
representations of happiness. शनाक्षी और डायना आप दोनों से ये सवाल है, जैसे कि आप इस फिल्म में दोनों ही हैप्पी हैं, असल जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको हमेशा हैप्पी रखती हैं? मेरा काम मुझे बहुत हैप्पी रखता है. आई थिंक आई लिव फॉर माय वर्क एंड व्हाट आई डू, इट ब्रिंग्स मी इमेंस जॉय, बहुत मजा आता है. एंड इसलिए आई डोंट ट्रीट इट लाइक वर्क, आई ट्रीट इट लाइक समथिंग दैट आई एम जस्ट सो पैशनेट अबाउट एंड दैट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय. काम के अलावा मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, खाना, यू नो, बेसिक थिंग्स, द स्मॉल जॉयज इन लाइफ. आनंद सर आपसे सवाल है आपके स्ट्रेट डायना, आपके आप आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी नो दैट गुड फूड मेक्स मी सो हैप्पी एंड आई थिंक आनंद आल्सो नोज दिस बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई इट डजंट शो बट आई लव वर्किंग विद कलर येलो बिकॉज़ देयर आर फाइव बिकॉज़ सम गर्ल्स हैव ऑल द लक. Two lunches, two dinners, then one in between tea time snack, everything. Wow, there is like, a special bus place. Bus karo yaar, bus, please, bus, this bus. This is just embarrassing now. Sab ladkiyan jealous ho rahi hai yahan par. Mera khoon jal raha hai yahan pe, meri atma jal rahi hai andar se. Anand sir, aapse sawal hai, aapke straight mein sir, aapke right mein straight mein. Ji, aapse sawal hai ki China ko hi kyun Chin ko chuna hai, kyunki पिछली बार पाकिस्तान था और इस बार चीन है और जो रिलेशनशिप रहे हैं इंडिया पाकिस्तान सॉरी चीन के हैप्पी भी रहे हैं, मिले जुले हमेशा टाइम टू टाइम होते रहे, तो कोई खास कारण है? और कहीं ना कहीं से व्यंग्यात्मक तरीके से क्या हम वो भी देखेंगे इसमें फिल्म में? कहीं बारे में बेहतर मुदस्सर बताएगा, बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम लोग फिल्में बनाते हैं, हमारा कुछ हम इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, पर ये हमारे पास एक मीडियम है जिसके ज़रिए हम कुछ दो चार बातें बोल देते हैं, उसका कितना असर होता है वो नहीं पता. मेन हमारा मकसद होता है आप लोगों का एंटरटेनमेंट, ऑडियंस का एंटरटेनमेंट. बट अगर हैप्पीनेस इन जगहों पे जुड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है. अगर हमसे इतना भी हो जाए कि कहीं ना कहीं इसको हम उस चीज़ से कनेक्ट कर दें, एक हैप्पीनेस से कनेक्ट कर दें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, सॉल्व हम में से कोई नहीं कर पाएगा, बट हम अपने मीडियम की तरफ से एक 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 खुशी, एक एक एंटरटेनमेंट, एक एक कॉर्डियल चीज़ आप बोल लीजिए, अगर हम दे पाएँ उससे बेहतर कुछ नहीं. कृषिका जी मेरा सवाल आप, एक्चुअली एक मैं ना आपके ना आपके सवाल में आपका जवाब था बहुत खूबसूरत. दरअसल क्या है, हास्य व्यंग जो होता है, यू नो ह्यूमर थ्रू सार्केज्म और थ्रू सैटायर, we should all develop an appetite for it. And kyunki rishte naram garam rehte hain in mulkon ke sath, mujhe lagta hai ki isliye aur us pe hansne ki zarurat hai, taaki yahi ek tarika hai rishte sudharne ka. Maine one ke waqt pe na ek badi kisi ne press ke hi saathi ne mujhse ek sawal pucha tha, maine unko bola tha ki unhone kaha tha padosi ko kyun pick kiya aapne, maine kaha aisa hai ki aap agar ek ghar mein rehte hain, agar padosi balcony mein kachhe bhi sukhata hai to padosi padosi hota hai, you know. तो वो जो एक एक फ्रेंडमीज़ वाले जोन में ख़ास तौर से ये दो मुल्क हैं, ऑल द मोर रीज़न दैट वी शुड हैव फिल्म्स दैट स्पीक अबाउट देयर कल्चर वर्सेस आवर कल्चर, अ सर्टेन बॉर्डर टेंशन दैट कीप्स प्रॉपिंग अप विद बोथ दीज कंट्रीज. सो या एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी आई इंटरप्टेड समबडी. यस शूट. कृषिका जी मेरा सवाल आपसे है, इंडस्ट्री में जिस तरह का चलन है उसके विरुद्ध जाकर आप वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों को इतना प्रमोट क्यों करती हैं और इतने सालों से, क्या आप कॉन्फिडेंट रहती हैं कि वो अच्छा कर पाएंगी, चाहे वो नीलबट्टा सन्नाटा हो या बड़ी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हो कंगना वाली? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म प्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अनजान अनजानी और देसी बॉयज़ से, तो इट इज़ ऑल मेल्स ओनली इन दैट. सो ऐसे कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट विच आई रियली एन्जॉय. एंड यस, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट एक्चुअली वुमेन कैन कनेक्ट इवन मोर, सो आई एन्जॉय दोज मोमेंट्स टू. थैंक यू. हाय आनंद, दिस इज प्रियंका टुवर्ड्स योर लेफ्ट. हाय, दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. आनंद, वी सॉ द सॉन्ग फ्रॉम जीरो एंड एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट दैट, बट एज अ डायरेक्टर हाउ इज इट फॉर यू टू शूट यू नो टू सुपर स्टार्स? And how was it to be on the sets with them? I was very happy there. I was really happy there. Whoa! But does it get difficult to shoot two superstars and you know to have them in one frame? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा. मतलब
I've been very fortunate in that way. Ye as a director nahi jawab de raha hu, as a person, as a human being bol raha hu. If you meet somebody aur aapko unke beech mein ya aap unse baat karte ho, agar wo insaan aapko samajh mein aa jata hai, phir wo star nahi rehta. Wo ek aisa rishta bol dunga ya ek aisa mahol bol dunga. कि वो दोनों इतने बड़े हैं कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार हैं. तो ये उनकी उनका बड़प्पन है. हाय जेसी, गायत्री हियर फ्रॉम मिडडे ऑनलाइन. सो सिंस दिस योर डेब्यू फिल्म, सो हाउ वाज इट शूटिंग विद एवरीवन? एंड आई आल्सो हर्ड दैट यू वुड सिंग सॉन्ग्स टू इंप्रेस सोनाक्षी ऑन द सेट्स, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट. हां नहीं, बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो मैं थोड़ा डरा हुआ था पहले के, क्योंकि मैंने इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना था. पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सारे दिन निकल गए. स्पेशली क्योंकि सोना ऑलरेडी पंजाबी गाने सुनते हैं पहले से. सो उस टाइम मेरा एक गाना आया था तो मैंने सोनाक्षी को सुनाया तो उन्होंने, इनको अच्छा लगा तो उन्होंने प्रमोट भी किया बड़े अच्छे से. सो उस टाइम मुझे पता चला कि यार ये तो पंजाबी लड़की है पूरी, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट में मैंने बाद में गाने देखे, सारे ऑलमोस्ट पंजाबी गाने ही थे. सो बड़ा मज़ा आया. सो बहुत अपनापन फील हुआ वहाँ पे. मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं पंजाब से आया हूँ यहाँ पे और ये लोग सब पहली बार मेरे साथ काम करेंगे. स्पेशली मुदस्सर सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में. सब लोगों ने, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म आई. मोमेंट रिक्रिएट कर सकते हैं क्या दोनों के साथ में यहाँ? व्हाई नॉट, यू शुड. Now you're anti nervous. Jassy Gill स्टेज पे और गाना ना गाए, ये नहीं होना चाहिए. गलत बात है. जैसे जरूर.